संगठन मंत्री सुनील बंसल भी होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लेंगे बैठक। वहीं संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय पर आज बड़ी बैठक। स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंचे कार्यालय। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी मुख्यालय पर आज बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। वहीं मंत्री आशुतोष टंडन भी बीजेपी दफ्तर मौजूद रहे। थोड़ी देर में बीजेपी की बैठक होगी शुरू। आज बीजेपी में बीजेपी की बड़ी बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक लेंगे। संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस दौरान शामिल होंगे। वहीं कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद होंगे। बैठक अभी शुरू होगी, बड़ी बैठक देखने को मिल रही है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी कार्यालय पहुंचे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी मुख्यालय पर आज होगी बड़ी बैठक। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक से जानना चाहेंगे, अभिषेक जिस तरीके से अब ये बड़ी बैठक की बात हो रही है लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी हाँ बिल्कुल, बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक बुलाई गई है और कई सारे कल अपने देखा भी कि एके शर्मा कैसे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। एमएलसी बनाने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, लेकिन उन्हें संगठन में जगह दी गई। एक्सपेंशन की बात पर पूरी तरह पूर्ण विराम लगा और ठीक अगले दिन ही बाकायदा बैठक बुलाई गई है। बैठक हर लिहाज से अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि एके शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सभी जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, और इस बैठक में कई सारी बातों पर चर्चा होनी है, चाहे वो आने वाले चुनाव हो या फिर जो पूरी तरह कार्यप्रणाली है बीजेपी की संगठन की अगर बात की जाए तो उसमें क्या तब्दीलियां की जाए, इस बार चुनाव में किस तरह के नतीजे रहे, पंचायत चुनाव खासतौर पर बात की जाए और उससे क्या कुछ सीखना चाहिए, आने वाले चुनाव में किस तरह की रणनीति पर बीजेपी काम करेगी। संगठन के लोगों को एके शर्मा भी हो सकता है संबोधित करें, लेकिन फिलहाल स्वतंत्र देव सिंह पूरी बैठक लेंगे। एके शर्मा भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, कुछ नए मसौदों पर बातचीत कर सकते हैं, कुछ नई स्ट्रैटेजी को लेकर के सामने आ सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आज बैठक में होंगी। साथ ही साथ इसके बाद इस बैठक के दौरान ही ये भी इससे पहले ये भी तय कर लिया गया कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी दो दिवसीय होगी। हालांकि अभी फिलहाल इस पर चर्चा हो रही है। इस बैठक के बाद ये भी साफ हो पाएगा कि कार्य समिति की जो बैठक है प्रदेश की वो वर्चुअल होगी या फिजिकल होगी। हालांकि अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि वर्चुअल बैठक होगी। शुरुआती दौर में जेपी नड्डा भी जुड़े रहेंगे साथ में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसके बाद सभी जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के वो इस बैठक में मौजूद होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आज इस बैठक के बाद ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बिगुल भी फूंक रही है। अलग अलग इलाकों में कैसे काम किया जाना है, किस तरह की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाएगी, संगठन में क्या कुछ तब्दीलियां की जाए, इसको लेकर भी आज मसौदा सामने रखा जा सकता है। जी अभिषेक, जिस तरीके से इस बैठक अहम बैठक मानी जा रही है, इस बैठक में और कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद होंगे, तो आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी आने वाले दिनों में चुनाव होने के लिए भी तैयारी जोरों शोरों से है, और अहम बातें क्या हो सकती है इस बैठक में? जी हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर चुनाव मोड में पूरी तरह से सरकार और संगठन आ चुका है और ये देखने को भी मिल रहा है एक के बाद एक कई सारी योजनाओं की बात की जाए या फिर सरकार किस तरह से नए वेव को लेकर के तैयारियां कर रही है, तो वो सारी बातें हैं जो रिपीट नहीं होना चाहती क्योंकि पिछले वेव में हमने जो हालात देखे थे, जो सिचुएशंस देखी थी, वो कहीं ना कहीं उसका दोहरा ही ना जाए, इसीलिए इसको लेकर के सरकार कर रही है। वहीं दूसरे साइड पैरेलली संगठन भी पूरी तरह चुनाव मोड में आ गया है। सबको पता है कि 8 महीने बाद चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सभी राजनीतिक दलों की तरह हम जोड़ तोड़ की खबरें भी लगातार सुन रहे हैं। कुछ देर पहले भी पता चला कि घटक दल जो भारतीय जनता पार्टी के हैं अनुप्रिया पटेल अपना दल, वो भी अपनी जो माँ और बहन के साथ एक अलग पार्टी में शामिल हो गई थी और
उसी पार्टी को तोड़कर एक नई पार्टी बनाई थी उन्होंने, अपना दल YORS, तो अब वो दोनों पार्टियां भी हो सकता है एक साथ शामिल हो, अभी ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो इन सारी अटकलों के बीच, इन सारी बातों के बीच भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक हर लिहाज से अहम मानी जा रही है, और ना सिर्फ रणनीति बल्कि संगठन में क्या तब्दीलियां की जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी का रास्ता चुनाव के लिए और आसान हो पाए, इसको लेकर भी आज सामने कई सारी बातें रखी जा सकती हैं। जी अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से कई जिलों में नियुक्ति भी की गई है लोगों की, इस पर क्या तमाम जानकारी है आपके पास? मिनिस्टर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग इलाके अलग अलग जिलों की जिम्मेवारियां मिनिस्टर्स को सौंपी गई हैं, और संगठन के पदाधिकारियों के साथ वो पूरी तरह कोऑर्डिनेट करेंगे, वहां होने वाली किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत के लिए वो जिम्मेवार होंगे। और बाकायदा जिम्मेवारी दी गई है कि वहां के इलाके के जो लोग हैं या उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है या बाकी जो इलाके हैं मंडलों के हिसाब से, वहां पर ये कैबिनेट मिनिस्टर्स खुद भी दौरा करेंगे और संगठन के पदाधिकारियों के साथ पूरी तरह रابطہ, पूरी तरह कोऑर्डिनेशन बनाकर चलेंगे। जी जी अभिषेक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मंत्री आशुतोष टंडन भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं और कई अधिकारी इस दौरान इस बैठक में मौजूद होंगे, और ये एक बैठक जो है बड़ी बैठक बताई जा रही है, जो आने वाले चुनाव हैं उसको लेकर के भी इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, वहीं कई अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी मुख्यालय पर आज बड़ी बैठक होगी, कई अधिकारी बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं, कुछ ही देरों में बीजेपी कार्यालय में ये बड़ी बैठक होगी जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, आगामी चुनाव को लेकर के भी इसमें अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक को लेंगे, वहीं संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस दौरान शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय पर आज बड़ी बैठक, कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी, कई अधिकारी इस दौरान मौजूद होंगे, वहीं किस तरीके से बीजेपी को और मजबूत बनाना है उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 3 दिन के दौरे